साइबर ठगी को लेकर जागरूकता फैलाने के मकसद से आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज साइबर क्राइम की खबरें रोज दिखा रहा है। आज देखिए इंदौर की खबर, जहां परदेसीपुरा थाना के प्रभारी को ही साइबर ठग ने फोन कर ठगने की कोशिश की। इससे पहले भी इंदौर पुलिस प्रवक्ता राजेश धनोटिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही फोन आया और नकली पुलिस ने उनको जमकर धमकाया। देखिए नकली पुलिस कैसे असली पुलिस से किस अंदाज में बात करती है। मैं घर पे हूँ। बात करवा मेरी इसके साथ। क्यों? बात करवाए ना। मेरे को कोई बात करवाने की जरूरत नहीं है आपसे। इस वीडियो में फोन के एक और नकली पुलिस है और दूसरी तरफ असली। इंदौर के परदेसीपुरा थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी के पास एक फोन कॉल आया। सामने वाले ने पुलिस की डीपी लगा रखी थी और अफसर से उसके बेटे की जानकारी मांग रहा था। यानी ठग खुद पुलिस अफसर बनकर एक पुलिस अफसर को ही ठगने का जाल बिछा रहा था। ये जो बेटा है ये स्टडी कर रहा है, वर्किंग कर रहा है? स्टडी कर रहा है, बताइए। अभी कहाँ पे इस टाइम? घर पे है। घर पे है। आप किधर हो? मैं घर पे हूँ। बात करवा मेरी इसके साथ। क्यों? बात करवाए ना। जिस लहजे से ठग पुलिस अधिकारी से बात कर रहा था, कोई आम आदमी होता तो झट से झांसे में आ जाता। इस तरह के साइबर ठग अक्सर इसी तरह से फर्जी कॉल कर बच्चों को रेप केस में फंसाने या नशे के केस में फंसाने के नाम पर परिजनों से पैसे ऐंठते हैं और लोग डर में ठगों के मंसूबों को पूरा भी कर देते हैं। तो मैंने वो कॉल भी उसका वीडियो रिकॉर्ड करवाया, सिर्फ इसलिए ताकि मेरे पास जो लोग आते हैं उन्हें मैं बता सकूं कि इस तरीके कॉल्स उनके पास आते हैं तो हमारे पास भी आते हैं। इससे केवल सजगता सतर्कता से ही बचा जा सकता है, अन्यथा कोई भी डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो सकता है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले इंदौर में पदस्थ एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोतिया को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई थी। राजेश डंडोतिया प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, इसी दौरान उन्हें एक फोन आया तो एडिशनल डीसीपी ने मीडिया के सामने ठगों का पर्दाफाश कर दिया। मेरे नाम से कोई कॉल आया था कि कंप्लेंट हुई है, एफआईआर हुई है, क्रेडिट कार्ड यूज किया गया है। घटना में थोड़ी देर के बाद स्टेटमेंट लेने के लिए अफसर को वीडियो कॉल किया गया, जिसमें सामने वर्दी पहने अफसर को देख कॉलर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। साथ कौन है तुम्हारे? मैं खुद पुलिस ऑफिसर हूं और आप ये लोग जो कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट, ये सब मैंने मीडिया को बता दिया है और आप ये लोग गलत करते हैं। चेहरा दिखा दो। महाराष्ट्र पुलिस। ओए फर्जी महाराष्ट्र। एडीसीपी ने लोगों को जागरूक करने के लिए इस पूरे मामले का खुद वीडियो रिकॉर्ड करवाया। ऐसे में ये साफ है कि ठगों से न केवल आम जनता बल्कि प्रशासनिक अधिकारी भी अछूते नहीं हैं। ठगों ने पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र की फर्जी आईडी बनाकर व्यापारी से 45,000 रुपए ऐंठ लिए थे। प्रदेश में ठग अब तक 6 जिलों के कलेक्टर के नाम से फर्जीवाड़ा कर चुके हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह के नाम से भी फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों से रुपयों की मांग भी की जा चुकी है। तमाम अधिकारियों का साइबर ठगों से पाला पड़ रहा है, लेकिन जागरूकता के कारण जल्दी ही मामलों में कार्रवाई हो रही है। बढ़ते साइबर क्राइम से बचने के लिए प्रधानमंत्री ने स्मार्ट पुलिसिंग के फॉर्मूले को आगे बढ़ाने का संदेश दिया है। स्मार्ट पुलिसिंग अपनाकर साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के संस्करण में साइबर अपराधियों से सतर्क रहने का संदेश दे चुके हैं। समय के साथ ठगी और धोखाधड़ी के तरीके बदल रहे हैं। जरूरी है कि समय के साथ हम भी जागरूक और सतर्क हों। इस बात को ध्यान में रखें कि पुलिस कॉल करके कभी भी कार्रवाई करने की बात नहीं करती। इंदौर से पुनीत विजय वर्गीय की रिपोर्ट। दरअसल मोबाइल फोन के तेजी से बढ़ते ग्राहकों और उससे जुड़ी बैंकिंग ने साइबर ठगों को लूट के कई नए रास्ते दिखा दिए हैं। दूर बैठा साइबर अपराधी इससे डरता ही नहीं है कि वो किसको फोन लगा रहा है। उसके लिए हर नंबर एक संभावित शिकार है, इसलिए वो किसी को भी फोन लगाकर इस तरह से फिशिंग करता है। हमको जरूरत है कि प्रत्येक अनजान नंबर को सतर्कता से रिसीव करें। पुलिस और सरकार लगातार अभियान चला रही है। इसके बाद भी ये मामले थम नहीं रहे।